YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। 26 फरवरी को एक बार फिर अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने जा रही है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को इस फैसले का बेसब्री से इंतजार है। 26 फरवरी को राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले को लेकर अयोध्या से प्रतिक्रिया सामने आ रही है। मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जल्द फैसला देगा और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। दोनों पक्षों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करना चाहिए। वहीं रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि 26 फरवरी के बाद सुप्रीम कोर्ट मामले की दिन प्रतिदिन सुनवाई करेगा और मामले पर जल्द फैसला आना चाहिए क्योंकि दोनों पक्षों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। अब 26 तारीख को जो आ रहा है उसमें कोर्ट कोई यह करता है कि प्रतिदिन सुनवाई करे या और कोई भी तारीख दे या जजों के में किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं है, जितने जज हैं उतने सबके सब है कि नहीं है, ये तो 26 को पता चलेगा। लेकिन मुझे आशा है, कोर्ट पर विश्वास है कि इसको जल्दी से जल्दी इसका निस्तारण करें। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 26 तारीख से सुनवाई शुरू करने जा रही है। सुनवाई शुरू होगी, हमको भी खुशी है। मुसलमान पक्षकार भी चाहता है फैसला, हिंदू पक्षकार भी चाहता है फैसला। हम चाहते हैं कि कोर्ट फैसला करे, आज करे अभी करे। हमेशा पक्षकार यही कहते हैं कि फैसला होना चाहिए, कोर्ट फैसला दे दे। कोर्ट चलता है सबूतों के आधार पे। अगर हमारे पास सबूत न होता तो हम कोर्ट पे विश्वास करते हैं